हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। सीपीसी हम लोग कर रहे हैं। डेफिनेशन क्लॉज में हमने कल डिक्री जो थी वो हमने कंप्लीट की है, राइट। आज हम लोग जजमेंट की डेफिनेशन कवर करेंगे, दैट इज सेक्शन 2 सब क्लॉज 9। ऑर्डर जो है बेसिकली वो 20 है जो जजमेंट का। जजमेंट जो है बेसिकली, जजमेंट इट इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय द जज। जज जो है वो स्टेटमेंट अपनी देता है जिसको हम लोग जजमेंट बोलते हैं। सो इट इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ द डिक्री एंड द ऑर्डर। लॉ क्या कहता है कि जब कोई सूट फाइल करता है, प्लेंटी में सूट फाइल किया मींस प्लेंट फाइल की और जो डिफेंडेंट था उसने उसका रिप्लाई दे दिया रिटन स्टेटमेंट में। प्लेंट आ गई, रिटन स्टेटमेंट आ गई, दोनों को कोर्ट ने पढ़ के देखा, जज ने पढ़ के देखा कि इनमें दोनों में कॉन्ट्रोवर्सी किसमें है, दोनों में डिस्प्यूट क्या है। तो वो कोर्ट ने फाइंडिंग्स की, तो एक हो सकती है फाइंडिंग, दो डिस्प्यूट हो सकते, तीन भी डिस्प्यूट हो सकते हैं, जो कोर्ट को बेसिकली कोर्ट ने उसमें जजमेंट देनी है और दोनों पार्टियां जो है वो बाउंड है वो उसको प्रूव करेंगी। तो वो दोनों प्लेन एंड रिटन स्टेटमेंट दोनों को देखते हुए कोर्ट जो उसकी फाइंडिंग्स देती हैं, जो इश्यूज क्रिएट करती हैं कि आप इन फाइंडिंग्स पे ही आप अपने एविडेंस लेके आओगे। तो जो जज होता है वो उसकी फाइंडिंग्स को, जब एविडेंस आती है हमारे प्लेंटिफ की तरफ से, डिफेंडेंट की तरफ से, जब उसके क्लोज हो जाता है हमारा केस, क्लोज होता है आर्ग्यूमेंट हो जाती है, तो कोर्ट जो है उन इश्यूज को डिसाइड करती है। तो बेसिकली इट इज अ जजमेंट, जो जजमेंट इट इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। जो आपने ग्राउंड्स देने होते हैं डिक्री में, जो ऑर्डर में जब अपने ग्राउंड्स देने होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे उनका बेस जो होता है वो बेसिकली जजमेंट से होता है। तो जजमेंट में वो आप पॉइंट लिखने होते हैं आपको, तो एक रीजन जो है, प्रॉपर रीजंस आपको लिखना होगा जजमेंट में। ऐसा नहीं है कि कोर्ट स्पेशली मेंशन कर दे डिक्री अलाउड, उसका रीजन आप दे। तो स्पीकिंग ऑर्डर तो हमेशा वहां पर होने चाहिए। स्पीकिंग का ऑर्डर का मतलब है कि जब जज जब भी किसी केस को डिसाइड करेगा तो उस डिसीजन के पीछे क्या रीजन है, क्या रीजन है कि वो इस डिसीजन को दे रहा है, वो लिखना पड़ेगा जज को। तो वो उसको हम स्पीकिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो इट्स जजमेंट बेसिकली इट्स अ स्टेटमेंट गिवन बाय द जज तो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री एंड द ऑर्डर। यूजुअली क्या होता है कि जब आर्ग्यूमेंट हो जाती है दोनों पार्टियों की, एविडेंस कंप्लीट होने के बाद आर्ग्यूमेंट हो गई, आर्ग्यूमेंट जब खत्म हो गई उसके 30 दिन बाद जज ने अपनी जजमेंट सुनानी है। द जज इज बाउंड टू पास द जजमेंट विद इन द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द आर्ग्यूमेंट। तो 30 डेज के बीच में उसको डिसीजन देना पड़ेगा, जजमेंट देनी पड़ेगी, ये जज के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि वो 30 दिन के अंदर अंदर जो जज है वो जजमेंट नहीं दे सकता, तो वहां पे फिर 60 डेज मेंशन कर दिया, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट की डेट से ही 60 डेज, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर वो 30 दिन के बीच में दे दिया, उसने जजमेंट सुना दी तो इट्स वेल, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो नहीं सुना पाया, इसका मतलब ये नहीं कि जज गलत है, जज के पास बहुत काम होते हैं, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ये तो जनरल रूल है कि विद इन 30 डेज में ही जजमेंट सुनानी पड़ेगी आपको, जैसी आर्ग्यूमेंट हुई 30 दिन के अंदर अंदर आपको जजमेंट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर वहां पे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ गए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आ गए कि जज जो है वो उस जज के लिए इम्पॉसिबल ही नहीं है कि वो विद इन 30 डेज के अंदर वो जजमेंट सुनाए, तो वो उसको जजमेंट प्रोनाउंस करनी पड़ेगी विद इन 60 डेज। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं प्रोनाउंस्ड। तो जज जो है वो दोनों पार्टियों को बुलाएगा या उनके लीडर को बुलाएगा कि आप आ जाओ, इस दिन मैंने फैसला सुनाना है, मैंने जजमेंट सुनानी है। तो जजमेंट सुनाने का मतलब कि प्रोनाउंस करना, वो बोल के सुनाएगा कि भाई मैंने आपके अगेंस्ट ये जजमेंट पास की है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर 25 पेजों की जजमेंट है तो वो 25 पेज पूरे पढ़ के सुनाए, ये भी पॉसिबल नहीं है उसके लिए। तो वो जो बेसिकली जो पैराग्राफ है जिसमें एग्जैक्टली जजमेंट सुनाई गया वो आप वो पढ़ दो, जिससे आप पार्टी को समझा सकोगे भाई मैंने ये जजमेंट पास की है, दैट्स इट। तो आप उसके रीजन जो है वो रिकॉर्ड करोगे जजमेंट में, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सो जजमेंट मींस जजमेंट मस्ट बी प्रोनाउंस विद इन 30 डेज एंड फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द हियरिंग, और 60 डेज अगर पॉसिबल नहीं है तो आप 60 डेज भी ले सकते हो, ठीक है जी। Then due notice of the day fixed for pronouncement of judgment shall be given to both the parties as well as the pleaders. Judge जो है basically वो date fix करेगा। Notice का मतलब ये नहीं कि उसको notice देगा घर में जाके या summon issue कर देगा, उसकी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ date fix करनी है
दोनों पार्टियां जब डेट लेके जाएंगी उसका मतलब उनको नोटिस मिल गया कि मैंने इस दिन आपके जजमेंट पास करनी है, प्रनाउंस करनी है, आप आ जाना। तो जस्ट आपने डेट डाल दी, दोनों जो उसके प्लीडर्स हैं, जो उनके वकील है, उनको आपने डेट बता दी कि हाँ भाई ये डेट है, आप उस दिन आ जाओ, मैंने जजमेंट सुनानी है। डेट मीन्स आपने नोटिस दे दिया दोनों पार्टियों को और उस दिन आप जजमेंट सुनाओगे। लेकिन डेट इज नॉट बाउंड, क्योंकि 60 डेज एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में आप ले सकते हो, ठीक है जी। और यूजली क्या होता है कि जो वर्किंग है कोर्ट की, वो सपोज डेट फिक्स कर दी, फिर नेक्स्ट हेयरिंग डाल देते हैं, फिर नेक्स्ट हेयरिंग डाल देते हैं, तो वो 60 डेज के अंदर यूजली करते हैं, ठीक है। तो रेयर जज है जो बेसिकली 30 डेज में करते हैं, ऐसा नहीं कि जज नहीं है, नंबर ऑफ जजेस हैं जो 30 डेज के अंदर अंदर वो जजमेंट देते भी हैं, ठीक है नहीं। ये जनरल रूल है, ये एक्सेप्शन है, बट एक्चुअल में प्रैक्टिस में ये जनरल रूल बन गया, एक्सेप्शन कोई नहीं, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज डिफरेंट देन व्हाट द थ्योरी सेज, तो वो अलग है, ठीक है। सो जजमेंट जो है बेसिकली मस्ट बी बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लीडिंग। लॉ कहता है कि जो जज है वो प्लीडिंग के बेसिस पे ही डिसीजन देगा। प्लीडिंग है क्या? जो प्लेंटिफ केस लेके आया है, जो डिफेंडेंट केस लेके आया है अपना, दोनों केसेस को देखकर, दोनों के पॉइंट को देख के, दोनों का एविडेंस को चेक करते हुए, ठीक है, उसके बाद उनके बेसिस पे ही डिसीजन देगा। अपनी थ्योरी अप्लाई नहीं करेगा कि अगर ये होता तो ये कर लेता है, ये आपकी थ्योरी नहीं है। लॉ कहता है कि यू आर जस्ट बाउंड टू डिसाइड द मैटर, जो आपके सामने एविडेंस दिए गए हैं प्लेंटिफ ने, डिफेंडेंट ने, आप उनके बेसिस पे ही डिसीजन दोगे। सो जजमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लीडिंग एंड इट कॉपीज शुड बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू बोथ द पार्टीज। जैसे ही आपने जजमेंट सुना दी, आप दोनों पार्टियों को फ्री ऑफ कॉस्ट जजमेंट की कॉपी दोगे, ठीक है जी। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब लॉ कहता है कि कंटेंट ऑफ जजमेंट है क्या, जजमेंट में आप क्या क्या लिखोगे। जो लॉ कहता है कि पहली बात तो कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, सबसे पहले ब्रीफ केस, जो केस का उसका ब्रीफ दोगे आप कि ये केस है जी, प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया था और ये केस है, तो ब्रीफ ऑफ द केस, तो कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस। देन द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का एक्चुअल डिस्प्यूट क्या है, किस मैटर को लेकर डिस्प्यूट है, वो पॉइंट जो डिसाइड करने हैं आपने, जज वो लिखेगा कि ये पॉइंट थे, इन दोनों में ये कॉन्ट्रोवर्सी थी और ये मैंने डिसाइड करने हैं, इसी पॉइंटों के बेस पे ही दोनों ने एविडेंस दिए हैं। तो पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, कोर्ट सेकंड क्या लिखेगा, पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन। देन थर्ड द डिसीजन ऑन दोज पॉइंट्स, जो डिसीजन जो है आपके उन्हीं पॉइंट्स पे आने चाहिए, जो फाइंडिंग्स है फाइंडिंग्स के ऊपर ही जजमेंट देगी, जज जो उन पॉइंट्स को डिसाइड करेगा तो डिसीजन भी उन्हीं पॉइंट्स पे देगा। देन द लास्ट वन, रीजन फॉर सच डिसीजन, आपने ये डिसीजन दिया है इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि आपने जस्टिस देना है, जस्टिस देना है तभी दोगे जब आपके जो ऑर्डर है वो स्पीकिंग ऑर्डर है, वो अपने स्पीकिंग ऑर्डर मीन्स व्हाट, ये नहीं है कि हाँ भी वो जज है वो घर पे बैठे जो रिकॉर्ड करेगा अपनी वॉइस फिर आके आपको रिकॉर्डिंग सुना देगा कि ये बोल लो। स्पीकिंग ऑर्डर का सिंपल सा मतलब है कि जो ऑर्डर दिया गया वो अपने आप स्पीच कर रहा है, बोल रहा है कि ये रीजन है, कोई भी पर्सन वो पढ़ के देख सकता है कि क्या ये जो जज ने डिसाइड किया है वो ये रीजन थे जिसके बिहाइंड पे वो डिसाइड किया। तो रीजन आपको लिखने पड़ेंगे जजमेंट में, तो अगर रीजन नहीं है तो डेफिनेटली आपकी जजमेंट साउंड नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं हमारे जजमेंट में, ठीक है जी। बेसिकली जो ऑर्डर हमारा 20 है जो डील कर रहा है सेक्शन 2 की सब क्लॉज 9 उस पर डील कर रही है, ध्यान में रखना। अब दूसरा पॉइंट आ गया कि अल्टरेशन इन जजमेंट, अल्टरेशन ऑफ जजमेंट, जज ने जजमेंट सुना दी, अब क्या वो अपनी जजमेंट दोबारा अल्टर कर सकता है, दोबारा उसको मॉडिफाई कर सकता है, जो गलतियां रह गई हैं क्या वो अपने आप उसको सही कर सकता है, उसको हम बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ जजमेंट, ठीक है जी। तो एक सिंपल रूल है हमारा, जजमेंट वंस साइंड बाय द जज
एक बार जज ने जजमेंट पे साइन कर दिए, इट कैन नॉट बी अमेंडेड आफ्टरवर्ड्स, उसको हम लोग अमेंड नहीं कर सकते। दिस इज द जनरल रूल। जनरल रूल क्या है कि जज ने जैसे ही साइन किए उसके बाद उस जजमेंट को अमेंड नहीं किया जा सकता, ये जनरल रूल है। लेकिन दो एक्सेप्शंस है उसकी, इसकी एक्सेप्शंस भी हैं। सेक्शन 152 फर्स्ट एक्सेप्शन है, ठीक है जी। रूल क्या है कि जज अपनी जजमेंट को सुनाने के बाद, जैसे उसने साइन कर दिया जजमेंट पे, उसके बाद उसको अल्टर नहीं किया जा सकता। लेकिन वहां पे दो एक्सेप्शन है, सेक्शन 152 एंड 114 ऑफ सीआरपीसी। सीपीसी 152 सेक्शन क्या कर रहा है, द क्लेरिकल मिस्टेक जो रहती है, जो अरिथमेटिकल मिस्टेक है, लाइक 5000 डालना था 50000 डाल दिया, तो वो क्लेरिकल मिस्टेक है ना, अरिथमेटिकल मिस्टेक है, मैथमेटिकली मिस्टेक है, ठीक है। लॉ कहता है कि जज जो जजमेंट है उसको करेक्ट किया जा सकता है अगर वो वहां पर जो गलती है जजमेंट है वो क्लेरिकल और अरिथमेटिकल मिस्टेक है। जज ने फैसला सुनाई सही सुनाया था लेकिन वहां बाय मिस्टेक टाइप करते हुए क्लेरिकल मिस्टेक हो गई, ठीक है, 5 लाख की बजाय 5000 लिखा गया, तो वो तो क्लेरिकल मिस्टेक है। लॉ कहता है कि उसको आप सही करवा सकते हो लेकिन आपको 152 सेक्शन ऑफ सीपीसी में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी उसी केस में कि सर आपने जो जजमेंट सुनाई थी ऑन सच एंड सच डेट को, आपने जजमेंट सुनाई थी एंड उसमें जो है पैराग्राफ 4 या जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें जो एरिथिकल मिस्टेक हुई है, क्लेरिकल मिस्टेक है, इंस्टेड ऑफ 50,000 आपने वहां पे 5,000 लिख लिया है। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इट इज नेसेसरी टू मेक द करेक्शन इन द जजमेंट, तो आप एप्लीकेशन मूव कर दोगे और जज जो है वो आपके इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हुए, वो अगर उसको लगा कि वाकई वो क्लरिकल मिस्टेक है, अरिथमेटिकल मिस्टेक है, तो जज उसको करेक्ट कर देगा। ये थी हमारी फर्स्ट एक्सेप्शन। देन वी हैव अ 114 सेक्शन ऑफ सीपीसी रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है कि अपनी ही जजमेंट को दोबारा चेक करना, अपनी ही जजमेंट को दोबारा चेक करना। लेकिन जज अपनी जो जजमेंट है वो खुद रिव्यू कैसे करेगा, पार्टी जो है 114 सेक्शन में एक एप्लीकेशन मूव करती है कि सर आपकी जजमेंट में सब कुछ देखा गया है लेकिन उसको वॉच करते हुए, उसको पढ़ते हुए ये पता लगा कि जो मटेरियल एविडेंस थे, जो हमने मटेरियल एविडेंस आपको पेश किए थे वो आपने कंसिडर ही नहीं किए। अगर वो पॉइंट कंसिडर करते तो वो फैसला हमारे हक में होता, ना कि अपोजिट पार्टी के हक में होता। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन पॉइंटों को कंसिडर करते हुए दोबारा से अपनी जजमेंट को रिव्यू करो, आप एक एप्लीकेशन मूव कर दोगे 114 सेक्शन ऑफ सीपीसी में। और जज जो है जैसे ही वो आपको आपकी एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट करता है, रिप्लाई देखेगा, रिप्लाई तो हो गई हुआ, दूसरी पार्टी से रिप्लाई तो लेगा एप्लीकेशन का, और फाइनली वो जज डिसाइड करेगा कि क्या वाकई गलत बात सही है, कि वाकई मैंने कुछ पॉइंट छोड़ दिए हैं, क्या वाकई मैंने इन मटेरियल एविडेंस को मैंने पढ़ा ही नहीं है। अगर जज को लगता है कि ठीक है, मतलब गलती मुझसे हो गई है, तो वो अपने जजमेंट रिव्यू कर सकता है, उसको दोबारा चेक करके दोबारा से वो जजमेंट प्रोनाउंस करेगा। लेकिन अगर जज को लगा कि नहीं, आपने जो पॉइंट बताया मैंने कंसिडर किए हैं, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद आपके पास कोई दूसरा वे आउट नहीं है, आप अपील कर सकते हो। तो ये दो वे आउट है जहां पर एक जज अपने जजमेंट को अल्टर कर सकता है, ठीक है जी। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है जी। 152 सेक्शन की एप्लीकेशन होती है, 114 सेक्शन में भी एप्लीकेशन होती है, तो आप एप्लीकेशन मूव करोगे तो उसके रिगार्डिंग ही आपकी जो जजमेंट है वो जज जो है वो दोबारा रिव्यू कर सकता है, दोबारा अल्टर कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जजमेंट है लॉ कहता है वो स्पीकिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, स्पीकिंग ऑर्डर। जजमेंट जब भी होगी वो स्पीकिंग ऑर्डर में होगी, दैट मींस उस जजमेंट को पढ़ के पता लग रहा है कि जज ने अपना माइंड अप्लाई किया है, ऑन मेरिट बेसिस पे जज ने डिसाइड किया है, ठीक है जी। तो
तो इंटेलिजिबल मतलब जिसने अपना माइंड अप्लाई किया है, दो दो जो पार्टियां हैं वादी और प्रतिवादी मीन्स प्लेंटिव और डिफेंडेंट दोनों को सुना है, दोनों को एविडेंस को चेक किया है, जो सबूत पेश किए उनको चेक करते हुए ऑन मेरिट बेसिस पे कोर्ट ने अपना माइंड अप्लाई करते हुए वो डिसीजन दिया है और उसके रीजन भी लिखे हैं, उसको हम लोग स्पीकिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जजमेंट मस्ट बी इंटेलिजिबल एंड मस्ट शो दैट द जज हैज अप्लाइड हिज माइंड। अ जज कैन नॉट मेयरली से सू डिक्रीड या सू डिसमिस, ये नहीं ले सकता। आपके पास वो आपके पास कोई पार्टी आ रही है, पार्टी आने के बाद सूट चला है, दो साल सूट चला है, तीन साल चला है, छह महीने चला है और आपने सिर्फ एक वर्ड लिख दिया सूट डिक्रीड और सूट डिसमिस्ड, आपने कोई रीजन नहीं दिया उसके पीछे, तो वो जजमेंट गलत होगी। ठीक है जी, तो जज कांट से सूट डिक्रीड और सूट डिसमिस्ड, उसको प्रॉपर स्पीकिंग ऑर्डर लिखने पड़ेंगे, रीजंस लिखने पड़ेंगे, वो ग्राउंड्स जिसके बेसिस पे आप जजमेंट सुना रहे हो वो उसके पीछे रीजंस क्या है वो आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो इसी उसी से बेसिकली पता लगेगा कि बेसिकली जज ने अपना माइंड अप्लाई किया है। तो जज अपना माइंड अप्लाई करते हुए इंटेलिजिबली वो जजमेंट जब सुनाएगा तो उसके पीछे जो रीजन रिकॉर्ड करेगा दैट इज वी कॉल द स्पीकिंग ऑर्डर। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो जजमेंट है नीड नॉट हाउएवर बी अ डिसीजन ऑन ऑल द इश्यूज इन अ केस, जजमेंट है वो जरूरी है कि हर इशू पे जजमेंट जो जज सुनाई जाए। लॉ कहता है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने डिसाइड कर दिए, जो इररिलेवेंट थे वो मैंने छोड़ दिए। जो छोड़ दिए मींस आप इंप्लाइडली समझ लो कि उस पे उसको किसी के फेवर में डिसाइड नहीं किया गया, तो यही भी इंपॉर्टेंट है। फर्दर हमने डिक्री कर ली, डिक्री और जजमेंट भी कर ली, अब दोनों में अंतर क्या है? ठीक है जी, जजमेंट और डिक्री दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि नंबर ऑफ टाइम प्री में तो कम क्वेश्चन आता है, मेन में ज्यादा क्वेश्चन आता है, दोनों में अंतर क्या है? ठीक है जी, एलएलबी के लिए भी इंपॉर्टेंट है जजमेंट और डिक्री में फर्क क्या है, क्योंकि डिग्री में ज्यादातर क्वेश्चन आता है, जजमेंट पे क्वेश्चन आएगा जाएगा एलएलबी के स्टूडेंट के लिए। तो जजमेंट और डिग्री में फर्क क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट वाली है। तो जो जजमेंट है बेसिकली इट्स अ स्टेटमेंट गिवन बाय द जज, जो भी हमने किया है जजमेंट क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री और ऑर्डर इज नेसेसरी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जज जो है जब भी डिसाइड करेगा अपनी जो स्टेटमेंट देगा वो उसका आधार जो है वो डिक्री में भी लिखेगा। जो डिक्री है वो नॉट नेसेसरी फॉर अ जज टू गिव स्टेटमेंट इन अ डिक्री, जो प्रॉपर स्टेटमेंट है बेसिकली जो डिक्री है ना वो एक उसका फॉर्मेट बना हुआ है, वो हम अभी हम करेंगे, उसका फॉर्मेट बना हुआ है, उसमें प्रॉपर स्टेटमेंट वगैरह रीजन वगैरह रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती। जो रीजंस होते हैं वो जजमेंट में होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं डिसाइड करने वाले वो जजमेंट में होते हैं, इसलिए जजमेंट जो है वो 15 पेजेस की होती है और डिक्री एक पेज की होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जजमेंट और डिक्री में जमीन आसमान का फर्क है। जो जजमेंट है उसमें पहले आप स्टेटमेंट देते हो केस की, प्रसाइज ब्रीफ देते हो केस का, उसके बाद जो एविडेंस आती है वो आप मेंशन करते हो। ठीक है, पॉइंट्स जो डिटरमिनेशन करने हैं क्या क्या पॉइंट आपने डिसाइड करने हैं वो आप मेंशन करते हो, जिसको हम फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज बोलते हैं। उसके बाद उन पॉइंट्स को डिसाइड कर आपने करना है, वो सिंगल सिंगल करके आपको डिसीजन देना पड़ेगा उन पॉइंटों पे। ठीक है जी, आपको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो जजमेंट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है डिग्री में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा फर्क क्या है कि जो डिग्री थी हमने पहले किया था कि डिग्री मस्ट बी अ फॉर्मल एक्सप्रेस्ड, हमने कहा था फॉर्मली एक्सप्रेशन होगा वहां पे, जो डिग्री है मस्ट बी फॉर्मली एक्सप्रेस्ड, एक फॉर्मेट बना हुआ है हमारा, वो भी हम करेंगे अभी कि डिग्री का फॉर्मेट क्या है, किस फॉर्मेट में डिग्री प्रिपेयर होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये है कि एक्चुअल में फॉर्मेट है क्या, फॉर्मल एक्सप्रेशन है क्या, तो अभी हम उसको भी हम क्लियर करेंगे। आप एक बात ध्यान रखना कि जो डिग्री है वो फॉर्मली एक्सप्रेस्ड की जाती है, लेकिन यहाँ पे जजमेंट को कोई जरूरत नहीं है कि फॉर्मली एक्सप्रेस्ड की जाए, उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। थर्ड जो अंतर है, जो जजमेंट है उसके बेसिस पे ही डिग्री सुनाई जाती है, पहले जजमेंट होगी उसके बाद डिग्री पास होगी। ठीक है जी, तो डिग्री पास्ड आफ्टर द जजमेंट इन प्रनाउंस इन द कोर्ट। तो यहां पे अगर डिग्री की बात करें, जब जजमेंट प्रनाउंस होती है उसके बाद ही आप डिग्री सुना सकते हैं। ठीक है, जजमेंट पहले होगी डिग्री बाद में सुनाएगी।
तो ये इंपॉर्टेंट है, जजमेंट प्रोनाउंस करने के बाद ही आप डिक्री सुनाते हो। फोर्थ, यहां पे हमने किया था डीम्ड डिक्री किया था। डीम्ड डिक्री क्या होता है? कुछ पॉइंट्स हमने माना था कि हमें ये भी हम लोग डिक्री मान के चलते, जब हमने डेफिनेशन की थी डिक्री की तो हमने कहा था कि ये डीम्ड डिक्री मानी जाती है। तो यहां पे जजमेंट डीम्ड नहीं होती, नो डीम्ड जजमेंट, यहां पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है डीम्ड जजमेंट का, लेकिन डीम्ड डिक्री का कॉन्सेप्ट जरूर है हमारे, ये भी डिफरेंस है। जजमेंट जो है, हमने ये भी कह रहे हैं जो डिक्री है वो पार्टली फाइनल और पार्टली वो भी होती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि पार्टली आप फाइनल भी बोल सकते हो, डिक्री में कैन बी ए फाइनल और पार्टली और कंपोजिट दोनों से होती है, लेकिन जजमेंट तो एक ही होगी, जजमेंट तो एक भी होगी, वो पार्टली का भी हो ही नहीं सकती। तो ये भी, ये दो डिफरेंस थे हमारे, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब दूसरा जो बेसिकली है भाई, कंटेंट जो है बेसिकली, ये जी सबसे इंपॉर्टेंट, एक्चुअल में कंफ्यूजन थी कि स्टूडेंट्स को कि बेसिकली फॉर्मल एक्सप्रेशन है क्या। तो ये कंटेंट है, जिस कंटेंट में हम लोग, ये भी मैं बताऊंगा, उसी कंटेंट में डिग्री लिखनी होनी पड़ेगी। तो ये फॉर्मेट है, तो सबसे पहले डिग्री में क्या होगा, सूट का नंबर, केस का नंबर होगा सबसे पहले, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, केस का नंबर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट का नाम और उन दोनों के एड्रेस लिखे जाएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, प्लेंटिफ ने क्या डिमांड की है, किस रिलीफ के लिए डिमांड कर रहा है वो, क्या क्लेम मांग रहा है वो, तो पर्टिकुलर ऑफ क्लेम वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। और फोर्थ पॉइंट, आपने रिलीफ क्या ग्रांट किया, कोर्ट ने रिलीफ क्या ग्रांट किया, वो नेक्स्ट पॉइंट आनेगा। ठीक है जी, ये सीक्वेंस में चलेगा, नंबर ऑफ द सूट, सूट का नाम नंबर क्या है, नाम और एड्रेस ऑफ बोथ द पार्टीज, पर्टिकुलर्स ऑफ क्लेम, प्लेंटिव क्या क्लेम कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, कोर्ट ने क्या रिलीफ दी है, वो अगर 10 लाख कर डिमांड कर रहा है, अगर कोर्ट ने 5 लाख दिए तो वो रिलीफ ग्रांटेड है। देन अमाउंट ऑफ द कॉस्ट, कोर्ट में जो समय लगा है, जो सूट फाइल हुआ है, तो कोर्ट उसकी कॉस्ट भी डालती है, और वो जजमेंट में स्पेशली मेंशन कर देती है कि इस केस की जो कॉस्ट है वो प्लेंटिफ पे करेगा या डिफेंडेंट पे करेगा, वो स्पेशली मेंशन कर देती है। तो कॉस्ट जो है, अमाउंट ऑफ द कॉस्ट, कौन सी पार्टी बेयर करेगी वो भी मेंशन कर, वो नियर अबाउट 50-200 बस इतना ही होती है, ज्यादा नहीं होती, ठीक है जी। देन डेट ऑन विच द जजमेंट इज प्रोनाउंस, जजमेंट कब प्रोनाउंस की गई है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहां पर एक पॉइंट तो क्लियर हो गया ना कि डिक्री बाद में आ रही है, और डिक्री में आप जजमेंट का डेट लिख रहे हो कि किस दिन मैंने जजमेंट सुनाई थी, ठीक है, व्हेन इट वाज प्रोनाउंस्ड, जजमेंट कब प्रोनाउंस की गई थी उसकी आप डेट मेंशन करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हम लोग बोलेंगे कि सिग्नेचर ऑफ द जज, जज साहब के सिग्नेचर वहां पे एट द एंड आ जाएंगे। तो ये फॉर्मेट है हमारा, ये फॉर्म है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन, ठीक है जी। तो डिग्री जो होती है वो फॉर्मल एक्सप्रेशन, ये फॉर्मल एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, ये फॉर्म की बात कर रहे हैं, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग ही आपको जो है डिग्री पास करनी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो वो छोटा सा होता है, यहां पर तो आपको सिर्फ इतना लिखना है वो क्लेम क्या कर रहा है, आपने क्या ग्रांट किया, दैट्स इट, बात खत्म। वहां पे पॉइंट टू डिटर्मिनेशन, क्या डिटर्मिन करने थे, आपने क्या डिसाइड किए हैं, उसके रीजन क्या, वो नहीं लिखने होते, वो सिर्फ जजमेंट में होती है, इसीलिए जजमेंट बड़ी होती है, और कॉस्ट जो डिक्री है वो एक आधे पेज की होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और देन भी आप बात करें, अगर डिक्री में इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, अगर डिक्री में इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, तो कोर्ट ये डिसाइड करते हुए
ये मेंशन करेगी कि डिक्री की जो जो उसकी जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं उसकी बाउंड्रीज क्या है, किस जगह सिचुएटेड है, वो स्पेशली मेंशन करेगी, ठीक है, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सके कि किस प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। तो प्रॉपर्टी की अगर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज जरूर मेंशन की जाएगी डिग्री में। अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर केस जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, तो पोस्ट कोर्ट स्पेशली मेंशन करेगा कि इनकेस ऑफ क्लेम, लॉ कहता है कि इनकेस ऑफ क्लेम अगर अगर आपने मूवेबल प्रॉपर्टी उसको नहीं दी तो उसके अलावा अल्टरनेटिव आपको 50,000 देने पड़ेंगे। हमेशा कोर्ट ये डिसाइड करती है, अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं दे रहे तो उसके अलावा अल्टरनेटिव आपको कितना पैसा देना पड़ेगा वो भी मेंशन करती है, ठीक है जी। तो हमेशा जज साहब ये डिसीजन देते हैं कि ए जो है उसको बाउंड कर दे कि आप बी को जो कार उसकी वापस करो, अगर आपने कार वापस नहीं की तो आपको 2,00,000 रुपीज अल्टरनेटिव देने पड़ेंगे। तो वो एक ही मर्जी है, अब वो कार वापस करे या 2,00,000 रुपये वापस करे, तो वो हमेशा जजमेंट में मेंशन किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द जजमेंट, ठीक है जी। डिग्री हमारी फाइनल होगी, डिग्री के जो हमने वर्ड यूज किया फॉर्मल एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं जी फॉर्मल एक्सप्रेशन। दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मल एक्सप्रेशन, एक फॉर्म बना होता है उसी फॉर्म के अकॉर्डिंग कोर्ट ने डिग्री पास करनी होती है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द जजमेंट, ठीक है जी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, इंपॉर्टेंट बहुत है हमारे लिए। तो आप इतना प्री पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना, ऑर्डर जो है बेसिकली 20 है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 है, जजमेंट विद इन 30 डेज, एक्सेप्शनल केसेस 60 डेज में लिखनी पड़ती है। ये चार क्वेश्चन ही प्री में आते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनकेस ऑफ एनी प्रॉब्लम फिर भी आप पूछ लेना, कमेंट कर लेना। थैंक यू सो मच।